अरे दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं। अच्छे होंगे। बहुत ही आज का जो जो टॉपिक है ये हम लोग इससे अवेयर हैं ऑलरेडी। जो लोग भी कम्पिटेंट पर्सन है क्रेन लिफ्टिंग में, या ऑपरेटर हैं, या रिगर हैं, इवन सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्टर फील्ड में हम लोग इन्वॉल्व हैं लिफ्टिंग एक्टिविटीज से, तो हम लोगों को बेसिकली ये चीज़ टाइम टू टाइम रिफ्रेश करना चाहिए। हम लोग जानते हैं, मगर हम लोगों को रिफ्रेश करना चाहिए, अपडेट रहना है हम लोगों को इन्फॉर्मेशन से। क्योंकि सडनली अगर कोई भी क्रेन आ जाता है साइट पे और हम उस टाइम में क्लाइंट पूछ देता है, और अगर हम नहीं जानते हैं तो हो सकता है मतलब केयरलेस जो है वो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। चले हम लोग जानते हैं एसएएफ स्लिंग एंगल फैक्टर, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जिस तरह से क्रेन आया और लिफ्टिंग स्टार्ट होता है कोई भी मटेरियल्स का, उसका हम क्या रेटेड कैपेसिटी, क्या उसका वेट है मटेरियल का, वो हमको जानना चाहिए। उसी हिसाब से हमको जानना चाहिए कि स्लिंग का इसका सेफ वर्किंग लोड क्या है। तो जैसे जैसे एंगल जो है वो आपका, जैसे कि अगर सपोज डेट 90 डिग्री पे है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद फिर आप उससे कम उठाएंगे तो उसका क्या है कि जो सेफ वर्किंग लोड होता है जो स्लिंग का, वो कम होता चला जाता है। आप ये ना सोचें कि अगर हमारा 10 टन का उठाने की कैपेसिटी है तो वो डिफरेंट एंगल पे 10 टन ही उठाएगा, डिफरेंट एंगल पे हो सकता है कम उठाएगा, मतलब कम हो जाएगा। उसी तरीके से हम बात, जैसे आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे अगर लोड है तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों स्लिंग पे तो हमारा इक्वल आ जाता है। उसी तरह से अगर 40 डिग्री पे है तो उसमें क्या है, डिवाइड करने के बाद भी हमारा, देख लीजिए, एक स्लिंग पे जो वेट आ रहा है, हम तो समझ रहे थे कि 500, मगर यहाँ पे 707 आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो कैपेसिटी है स्लिंग का वो कम हो गया है। उसी तरीके से अगर 30 पे हो तो और कम हो जाए। तो ये दो मेथड है जैसा हम लोग जानते हैं कैलकुलेशन का। कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं जनरली, मगर कंफ्यूज सिंपल में है कि दोनों मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करके हमें वन बाय वन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये इसके हेल्प से हम लोग लोड फैक्टर चार्ट होगा जिसके हेल्प से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। और जो वर्टिकल जो स्लिंग है, जितना भी हमारा जो लोड होगा स्लिंग का, जैसे कि जो हमारा वेट होगा, तो वहाँ पे दोनों वर्टिकल जो स्लिंग हो उस पर हम डिवाइड कर देते हैं अगर 90 डिग्री पे है तो। अगर डिफरेंट एंगल है तो फिर हम लोग उसका फॉर्मूला आगे देखेंगे किस तरह से लगाते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोड फैक्टर चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंट एंगल है, 90 डिग्री, 85 डिग्री, 80 डिग्री। ईच एंगल पे आपका जो लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर आप, इट इज द गुड प्रैक्टिस इफ यू आर रिमेम्बर दिस चार्ट। अगर आप इस चार्ट को याद किए हुए तो बहुत ही अच्छा है, इजी, इमिडिएटली आप साइट पे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख रहे हैं दूसरा एक चार्ट लगा हुआ है, तो डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट उस पे उसका लोड फैक्टर है, उसको उस पर टेंशन जो आ रहा है उसको भी हम कह सकते हैं कि टेंशन फैक्टर। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले सिंपल हम इसमें लगाते हैं कि स्लिंग का जो लोड फोर्स कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं लोड का वेट, सपोज डैट जो भी लोड होगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई लोड फैक्टर। लोड फैक्टर कैसे हम आगे देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ चार्ट में कि 1000 अगर LBS पाउंड हमारा है, उसको डिवाइडेड 2 किया, मतलब लोड हम किसी भी मटेरियल को उठा रहे हैं उसका, मतलब 1000 kg मान लें, या फिर आप पाउंड मान लें, या टन मान लें, उसको डिवाइड 2 से करेंगे, ठीक है। और जितना फैक्टर है, अगर हम जो जिस एंगल पे हम उठा रहे हैं, जिस एंगल पे उठा रहे हैं उस एंगल से हम उसका, सपोज डेट अगर हम 45 डिग्री, तो उसका ये जो 1.14 ये है हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जितना आएगा स्लिंग पे लोड फोर्स है, मतलब कि इट स्लिंग पे उतना आ रहा है, तो डेट इज इजी। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमेशा हम लोगों को याद रखना है, सिंपल है। क्या वेट है उसको डिवाइड करेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपको लोड फैक्टर से। लोड फैक्टर कैसे, डिग्री के हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे कौन से डिग्री में उठ रहा है, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं इस फोटो में, ये भी सिंपल है, यहाँ हम समझ सकते हैं इससे भी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, तो दूसरा वे, तो फर्स्ट वे हम लोगों ने बात कर लिया कि जो हमारा एंगल फैक्टर कैलकुलेशन है, लोड फैक्टर चार्ट है, उससे हम लोग कर लेते हैं। दूसरा वे है कि अगर सपोज दैट हमारे पास डिग्री पता नहीं, ठीक है, हम ये पता नहीं है किस डिग्री में हम, किस एंगल में हम ये इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एल बाई ए, जैसा हमको पता है कि जो लेंथ होगा स्लिंग का, वो हम उसको डिवाइड क्या करेंगे, हाइट से करेंगे। तो
इसका हम पहले भी एक वीडियो बनाए हुए हैं, जो पैथागोरम थ्योरम से हम हाइट निकाल लेते हैं, जैसे सी स्क्वायर इसका टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जिसमें आपका बेस होता है हाइपोथेनियस और परपेंडिकुलर होता है, उसके इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे हम जस्ट सिंपल बात करेंगे कि किस तरह से हम, अगर मुझे पता नहीं है, चार्ट नहीं है और एंगल पता नहीं है, तो हमको लेंथ पता होनी चाहिए, सीलिंग का क्या लेंथ है, और डिवाइड करना है उसको एच से, मतलब हाइट से, तो हमारा लोड फैक्टर निकल जाए। जब लोड फैक्टर निकल जाता है तो दैट इज द सिंपल मेथड, हम सेम उसी तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं कि इस सीलिंग पे कितना हमारा टेंशन आ रहा है, ठीक है, कितना हमारा लोड आ रहा है। और अगर हम ये पता हो जाता है तो हम फिर अलाउ कर सकते हैं कि ओके लेट्स प्रोसीड इट, लेट्स स्टार्ट फॉर द लिफ्टिंग एक्टिविटी। हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा जो लिफ्टिंग का एक्टिविटी ऑपरेशन चल रहा है ये सेफ है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि हम जब भी इस तरह से साइट पे जाएं, तो इवन डी साइकिल है उसका भी हम इसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसका भी अगर आप जो डी साइकिल यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी हमेशा जो हम उठा रहे हैं, जो रेटेड कैपेसिटी है, उससे जो लोड है हमारा उससे हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। सेफ वर्किंग लोड में ही उठाना है। इवन आपका सिलिंग है या जो भी सिलिंग यूज करते हैं, या आप वेब सिलिंग यूज करते हैं या चैन सिलिंग, जो भी सिलिंग यूज करते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी उसको मेक श्योर करें, उसके हिसाब से एंगल से कैलकुलेट कर लें। अच्छा, ये भी फैक्टर है, कई फैक्टर है इसमें। अब अगर हिचेज जो डिफरेंट होता है, बास्केट टाइप है या सिंगल हिचेज है, तो वो भी देखें, उससे भी क्या है कि कैपेसिटी पे, आपके सिलिंग के कैपेसिटी पे वो इफेक्ट डालता है, ठीक है। कुछ फैक्टर भी हैं, मगर सिंपल जो एंगल बेस आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं और चार्ट नहीं है, तो फिर दूसरा वे आप एल बाई एच से आप लोड फैक्टर निकाल के ये फॉर्मूला पुट करके आप दोनों सिलिंग पे कितना वेट आ रहा है आप इजी निकाल सकते हैं। आई थिंक सो हो सकता है समझाने का कुछ तरीका डिफरेंट हो, मगर इजी है। आप इसके हेल्प से आप खुद भी साइट पे आप कैलकुलेट करके देखें, और आई होप सो इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू। हम फिर दूसरे वीडियो में, फिर दूसरे टॉपिक पे मिलते हैं।